यार हमने ना टर्म इंश्योरेंस की वीडियोस 3 से 4 साल पहले बनानी शुरू करी थी। 3 से 4 साल पहले टर्म इंश्योरेंस को लेके मार्केट में इतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती थी एंड उसमें एक अच्छी पॉलिसी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। पहले 2 से 3 रेशियोज होते थे, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम इंटीमेशन रेशियो, जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छी पॉलिसी को आइडेंटिफाई करना होता था एंड ऑनेस्टली दैट वॉज अ टफ टास्क। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज खुद IRDAI अपने रिपोर्ट्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन एंड ऐसे डेटा पॉइंट्स निकालते हैं जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर 2024 कौन सा है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत हमने कर ली है, वीडियो हम बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सारे निकाल चुके हैं। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है टू नो द बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ 2024। या टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम ना सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी के भी माइंड में आता है वो ये आता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम तो दे देंगे बट जब 30 से 40 साल बाद हमें क्लेम करना होगा तो वो कंपनी बंद हो गई तो, या किसी और कंपनी ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो तब हम क्या करेंगे। मतलब ये जो अनसर्टनिटी का डर है ये आपके माइंड में ज़रूर रहता है जो कि वैलिड है, जो कि रहना भी चाहिए क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है जो आप किसी कंपनी को पे करते हो। अब अगर हम बहुत सारी जो कंपनीज है मार्केट में उनका हम बिजनेस देखेंगे, एनुअल बिजनेस उनका कितने का होता है, तो अगर कुछ कंपनीज को हम मान लें जैसे LIC जो कि साल का 2 से 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। देयर आर सम कंपनीज लाइक SBI, HDFC, ICICI जो साल का 20 से 30 हज़ार करोड़ का बिजनेस करती हैं। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो सारी कंपनीज हैं ये अगले 30 से 40 साल में मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी। बट ऑन दी अदर हैंड देर आर स्मॉलर कंपनीज विच हार्डली डू अ फ्यू 100 करोड़ बिजनेस एवरी ईयर, जैसे कि एगॉन, रिलायंस, निपॉन, सहारा एक्सेट्रा। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी कंपनीज 30 से 40 साल बाद बंद हो ही जाएंगी, लेकिन उनके साथ रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक्साइड लाइफ को तो HDFC ने टेक ओवर कर लिया, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट्स हैपनिंग विद स्मॉलर कंपनीज आर मच हायर। सो एज अ फर्स्ट फिल्टर हम उन्हीं कंपनीज को एनालाइज करेंगे जिनका मिनिमम 5,000 करोड़ का बिजनेस है एवरी ईयर। ये फिल्टर लगाती है, हमारे पास सिर्फ 10 कंपनीज बच जाती हैं। अब इन सारी कंपनीज का एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे। इस टेबल में सब कंपनीज के प्योर टर्म प्लान्स के नेम मेंशन है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि बजाज आलियांस के 10 से ज्यादा प्योर टर्म प्लान्स हैं, मैंने शील्ड सुप्रीम को एनालिसिस के लिए लिया है। अब यार ब्रॉडली यहाँ पे सब कंपनीज में मिनिमम सम इंश्योर्ड 25 से 50 लाख का देते हैं। टर्म इंश्योरेंस में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने का भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो बट आपकी एलिजिबिलिटी फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉलम में हमने सब टर्म प्लान्स की पॉलिसी टेन्योर को कंपेयर किया है। टेन्योर का सिंपल मतलब है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने साल तक एक्टिव रहेगी। यहाँ पे SBI, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला एंड कोटक आपको 5 से 40 ईयर्स तक का टर्म ऑफर कर रही हैं। LIC एंड बजाज आलियांस 10 से 40 ईयर्स तक का एंड मैक्स एंड टाटा 10 से 67 ईयर्स तक का टर्म ऑफर कर रही हैं। सो इसके हिसाब से आपको सबसे ज्यादा कवर मैक्स एंड टाटा में मिल रहा है। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम LIC एंड कोटक बाकी सब टर्म प्लान्स आपको होल लाइफ तक का कवर यानी कि 100 ईयर्स तक का कवर भी ऑप्शन दे रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज आपको होल लाइफ का ऑप्शन मिल रहा है डजंट मीन दैट यू शुड टेक इट। आपको तब तक का ही कवर लेना चाहिए जब तक आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होंगी। 100 ईयर्स तक का जो कवर है उसका प्रीमियम का अमाउंट भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑल्सो टर्म प्लान्स के साथ साथ आपको कुछ इनबिल्ट बेनिफिट्स भी ऑफर किए जाते हैं जिन्हें हम एड ऑन्स बोलते हैं, जिनको आप अलग से भी खरीद सकते हैं। अ फ्यू एड ऑन्स और राइडर्स दैट वी हाईली रिकमेंड आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम। अगर लाइफ में आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस होती है तो आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा एंड योर पॉलिसी विल रिमेन एक्टिव टिल द एंड ऑफ टेन्योर। सेकेंड इज क्रिटिकल इलनेस। इफ यू आर डायग्नोस्ड विद एनी क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, यू विल बी गिवन अ लम सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर डिजीज। थर्ड इज लाइफ स्टेज बेनिफिट। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे अपना जो इंश्योरेंस कवर है उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू आर हैविंग किड्स, व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड एटसेट्रा। एंड द लास्ट वन इज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अब देखते हैं जो सारे टर्म प्लान्स हैं ये क्या क्या बेनिफिट हमें ऑफर कर रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं LIC एंड कोटक पॉलिसी के साथ साथ कोई और इनबिल्ड यानी कि कोई एड ऑन नहीं ऑफर करते हैं, बाकी सब टर्म प्लान्स कुछ ना कुछ बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करना चाहती हूँ कि टॉप 10 में से भी 2 कंपनीज ऐसी हैं जो एड ऑन में भी क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑफर नहीं करती हैं, SBI लाइफ एंड बजाज आलियांस। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइडर्स। वेवर ऑफ प्रीमियम भी कुछ कंपनीज लाइक HDFC, ICICI, मैक्स, टाटा में एज एन एड ऑन ऑप्शन दे रही हैं। बाकी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स तो सब प्लान्स में आप अलग से ले सकते हो, बट फेयर वार्निंग,
दिस पर्टिकुलर राइडर मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन। सो यार अभी तक HDFC, ICICI, मैक्स एंड टाटा काफी अच्छे दिख रहे हैं, बजाज, आदित्य बिरला एंड SBI थोड़े वीक दिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट LIC एंड कोटक तो काफी कमजोर दिख रहे हैं। अब एक बार हम फाइनल कॉल लेने से पहले इनका प्रीमियम भी कंपेयर कर लेते हैं। हम जो आपको इस स्क्रीन पे प्रीमियम दिखाएंगे दैट विल बी फॉर अ 30-year-old मेल नॉन स्मोकर हु हैज अ सैलरी ऑफ 10 lakhs। हमने बस आपको एक रफ आइडिया देने के लिए बनाया है। यार SBI हैज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रीमियम्स फॉलोड बाय HDFC, ICICI, टाटा एंड LIC, बट ऑनेस्टली HDFC, ICICI एंड टाटा इतने फीचर्स ऑफर कर रहे हैं दैट यू वोंट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम। मैक्स एंड आदित्य बिरला हैव द लोएस्ट प्रीमियम्स। अपने टॉप 4 प्लान्स रिवील करने से पहले लेट मी जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि आपको भी कंफ्यूजन हो रही है, कि आप भी ये सारा डेटा देखकर सोच रहे हो कि यार प्लीज हमें बता दो बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, हमें नहीं पढ़ना है इस एनालिसिस के चक्कर में। टेंशन मत लो, जब मैं भी अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रही थी मेरे माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, मुझे भी डिफिकल्टी हुई थी। ऑल्दो आई एम अ फाइनेंस क्रिएटर, हम हर दिन रिसर्च करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बट स्टिल ये चीज ही ऐसी दैट वी वुड आल्सो लाइक टू हैव एन एक्सपर्ट्स एडवाइस, एंड दैट एक्सपर्ट्स नेम इज डिटो। डिटो इज एन इंश्योरेंस कंपनी बैक्ड बाय ज़ेरोडा। यहाँ पर आपको कोई एक्सपर्ट एकदम जेन्युइन एडवाइस देगा, एंड ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप इनके साथ एक कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोई एक्सपर्ट गाइड करेगा आपके लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी रहेगी। एंड जस्ट बिकॉज ये कंसल्टेशन कॉल फ्री है डजंट मीन कि आपके नंबर पे स्पैम मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। डिटो हैज अ स्पैम फ्री पॉलिसी and has 4.9 out of 5 ratings on Google review, which is also why I like them. So if you decide to take a term insurance policy with them, aapka jo pura process hai from policy selection to claim kafi easy ho jayega, so that your family does not face any issues while claiming the insurance. और क्योंकि मैंने भी डिटो से पॉलिसी खुद ली है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ दैट डिटो आपको टाइमली रिमाइंडर देता रहेगा टू पे योर प्रीमियम्स। बेसिकली डिटो विल मेक श्योर दैट यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की जो कि टॉप 4 हैं। बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी हैव सीन टुडे, माय टॉप 4 पिक्स फॉर बेस्ट इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ 2024 वुड बी मैक्स स्मार्ट सिक्योर प्लस, HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, टाटा संपूर्ण रक्षा एंड ICICI आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। दीज पिक्स आर इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी का कोई एस्पेक्ट अच्छा है, किसी का कोई और एस्पेक्ट अच्छा है। आई वुड ऑल्सो अर्ज यू टू कैलकुलेट योर प्रीमियम्स फॉर ऑल दी 4 कंपनीज, हो सकता है आपके लिए प्रीमियम बिल्कुल ही अलग हो। एंड अगर आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम ही नहीं है, एंड आप चाहते हो कोई एक्सपर्ट आपको फ्री में एडवाइस दे दे, बता दे कि यार ये वाला इंश्योरेंस आप ले लो एंड आपका प्रोसेस स्मूथ कर दे, यू कैन गेट इन टच विद डिटो इंश्योरेंस। फ्री कंसल्टेशन बुक करने के लिए उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है एंड आप चाहते हैं कि औरों को भी पता चले, सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन बी इफेक्टिव।